अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो क्वेश्चन है प्रोटाइल से रिलेटेड है और जेई 2019 में पूछा गया था। इसमें कहा गया है टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट्स ऑन द ग्राउंड फायर्ड बाय द टू गन्स इज, ये रेशियो दिया हुआ है ना। तो हमें पता है कि अगर किसी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को जब 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज जो है वो मैक्सिमम आता है ना। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए ऐसे है ना, तो 45 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका रेंज जो है मैक्सिमम आता है। तो यहां पर बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं, कह रहे कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब जितने भी पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं, जितने पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं, सब पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हमें पता है कि 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाकर के ये गिरेगा, बाकी किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो इधर ही आसपास में गिरेंगे। तो 45 डिग्री पर इधर ही फेंका, 45 डिग्री पर इधर ही फेंका, तो सबसे ज्यादा दूर यही जाएंगे है ना, जो 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए गए होंगे। 45 डिग्री पर जो रेंज आता है, अगर मैं कहूं कि यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है तो इसमें रेंज आता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। थीटा हम लोग लेते हैं 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के केस में, तो उस केस में यू स्क्वायर बाई जी ये मैक्सिमम रेंज आता है। ठीक, तो ये जो मैक्सिमम रेंज है, अगर इसको रेडियस मान करके मैं एक सर्कुलर एरिया बनाता हूं है ना, जैसे जो बुलेट है 45 डिग्री फेंकने पर यहां जाकर गिरता है, तो इस रेंज को मैं रेडियस मान करके एक सर्किल बनाता हूं, तो जितने भी बुलेट्स मैं फायर करूंगा वो सारे उस सर्किल के अंदर ही गिरेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर जाने वाला जो है उस आर मैक्सिमम के बराबर जा रहा है। तो अगर किसी और एंगल पर फेंकेंगे तो उस सर्किल के अंदर ही गिरेंगे है ना। तो इसलिए क्या है कि अगर मैं इस मैक्सिमम रेंज को रेडियस मान करके अगर एक एरिया निकालता हूं पाई आर मैक्सिमम का स्क्वायर, तो ये होगा पाई यू पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ये होगा एरिया कवर्ड बाय द बुलेट्स, मतलब इस एरिया के अंदर ही सारे बुलेट्स गिरेंगे, बाउंड्री पर केवल वो बुलेट गिरेंगे जो कि 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए गए होंगे। ठीक, अब U का जो वैल्यू है यहां पर दो तरीके का दिया गया है, एक गन जो है 1 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता है और दूसरा गन जो है 2 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता है। ठीक, तो अगर मैं रेशियो निकालू एरिया का A1/A2, A1 वाले केस में आएगा पाई यू पावर, मतलब U1/4/g², दूसरे वाले केस में पाई U2/4/g², तो ये अल्टीमेटली आया U1/U2 का पावर 4। U1 क्वेश्चन में दिया गया है 1 और U2 दिया गया है 2, तो पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 1/16। तो एरिया का जो रेशियो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये आ गया 1/16।